इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ग्राहकों के लिए नया सिलेंडर पेश किया है। IOC का कहना है कि इसे स्मार्ट किचन को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इस नए सिलेंडर को कंपोसाइट सिलेंडर का नाम दिया गया है। इस सिलेंडर की खासियत यह है कि आपको इसमें यह पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची हुई है और कितनी खर्च हो चुकी है। इंडियन कंपोजिट सिलेंडर साधारण सिलेंडर से ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित है। इसका निर्माण 3 परतों से हुआ है। यह एक ब्लो मोल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथाइन इनर लाइनर से बना हुआ है, जो पॉलीमर लपेटे फाइबर ग्लास की एक परत से ढका होता है और बाहर HDPE जैकेट में फिट होता है। अभी जो सिलेंडर आते हैं वो स्टील के बने होते हैं। नया कंपोजिट सिलेंडर के कई फायदे हैं। ये सामान्य सिलेंडर्स के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं। इनका वजन स्टील के सिलेंडर के मुकाबले करीब करीब आधा होता है। सिलेंडर के कुछ हिस्से पारदर्शी होंगे, जिससे आप यह आसानी से देख पाएंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। उसे हिसाब से गैस की अगली बुकिंग तय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें जंग नहीं लगता। इसमें कहीं से भी खुरचन जैसी समस्या नहीं आती। इसे फर्श पर ना तो कोई दाग पड़ता है और ना ही कोई निशान। इन सिलेंडर्स को आजकल के मॉडर्न किचन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। मौजूदा वक्त में कंपोजिट सिलेंडर दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, फरीदाबाद और लुधियाना में चुनिंदा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही है, जो 5 किलो और 10 किलो के साइज में आता है। जल्द ही इसे पूरे देश में बेचा जाएगा। 10 किलो वाला सिलेंडर सिर्फ घरेलू गैस सब्सिडी वाली कैटेगरी के लिए है, जबकि 5 किलो वाला सिलेंडर घरेलू गैस सब्सिडी वाली श्रेणी के तहत फ्री ट्रेड LPG के जरिए मिलता है। पुराने सिलेंडर से कर सकते हैं एक्सचेंज। अगर आपको ये सिलेंडर चाहिए तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। 10 किलो वाले सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹3,350 है, जबकि 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹2,150 है। अगर आप इंडियन के कस्टमर हैं तो आप अपना मौजूदा सिलेंडर नए कंपोजिट सिलेंडर से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अंतर चुकाना होगा। सामान्य सिलेंडर्स की तरह ही कंपोजिट सिलेंडर की होम डिलीवरी होती है। इंडियन का डिस्ट्रीब्यूटर इसे आपके दरवाजे पर पहुँचा कर जाता है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।